अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और दीदी आप भी शामिल थी इस प्लान में। छोटे मेरी बात सुन। छोटे मैं समझाता हूँ तुझे। क्या समझाओगे भैया? आप लोगों ने माँ को किडनैप करने का नाटक किया। इल्जाम बिंदिया पर लगाया। बता मुझे तो किसके कहने पर ये सब काम कर रहा है? सीएम मैडम के लिए कर रहा था। ऐसा गंदा खेल खेला आप लोगों ने। आप लोगों ने बिंदिया को सबके सामने झूठा साबित किया, गुनेगार ठहराया। लेकिन छोटे एक बात समझ में नहीं आ रही, इसकी कार में बिंदिया की पायल? हे भगवान, इन सब में सीएम मिली हुई है। पीकू तो जरा कैसे अपनी सास को मरवाने जा रही थी। कैसे किया आप लोग ने ऐसा, बताओ कैसे किया? कैसे, कैसे? जी देखिए ना कितना खून भर रहा है, कितनी चोट लगी है आपको। अपने आप को संभालिए ना, गोली चलाने से थोड़े कोई हल निकलने वाला है। तो आपके सगे भाई बहन है ना, इन्हें कैसे चोट पहुंचा सकते? इसे खत्म करना चाहते हैं आप लोग, इसे खत्म करना चाहते हैं जिसे अब भी आप लोगों की फिक्र। तुम बहुत अच्छी हो बिंदिया, हम ही हैं जो तुम्हारी अच्छाई के काबिल नहीं है। तुम्हारे भोलेपन का फायदा इन लोगों को मत उठाने दो जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना घटिया खेल खेला है। अबे जी, हम विनती करते हैं आपसे, आप शांत हो जाइए। चिंता कर रही मेरे जख्म की बिंदिया? मैंने तुम्हें इसे गहरा जख्म दिया है, तुम पर यकीन ना करके तुम्हें गलत समझा मैंने, धोखेबाज कहा मैंने तुम्हें बिंदिया, पता नहीं क्या क्या गलत कहा मैंने तुम्हें। चलो
छोटे क्या कर रहा है? अरे अभय, अबे अभय, अबे कहाँ तो बोलते, कहाँ है बंद कर रहे हो? अपने बड़े भाई को जेल भिजवाओगे कहाँ? कानून की नजर में भाई बहन कुछ भी नहीं होता है, एक गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है। आप दोनों मेरे भाई बहन हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं आप दोनों को सजा से बचाऊंगा। गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी। अबे अबे छोड़, बात तो सुन। अबे पिंडिया का झूठ साबित हो जाएगा, फिर पार्टी मिलकर मुख्यमंत्री पद से उसको हटा देंगे। क्या है ना, जो सीएम साहब है वो तो बेचारे अस्पताल में पड़े हुए हैं, तो बताइए पार्टी वाले सीएम के पद के लिए किसे चुनेंगे? आप बताइए बताइए। अरे आप ही को चुनेंगे कांतिलाल जी। जैसे ही बिंदिया गुनहगार ठहराई जाएगी, हम सब मिलके उसे मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे और आपको मुख्यमंत्री बनाने की सहमति दे देंगे। आप निश्चिंत रहिए। चलिए बहुत बढ़िया, अब सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए, खामखा रात को चिंता जता रहे हैं। चलिए शुभ रात्रि। अजी हम तो महादेव जी के मंदिर में ना 21 नारियल चढ़ाएंगे, आपका सपना जब पूरा होने जा रहा है। बाबा कोई है, दरवाजा खोलो। ऐसा क्या लग रहा है हमें कि रुंझुन और चुबली कहीं से चिल्ला रहे हैं? हथियारों की जय हो, हमारे कान तो ना बज रहे ना जी? कान बज नहीं रहे, सच में चिल्ला रहे। चलो कहाँ से आ रही आवाजें? तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? किसने बंद किया तुम्हें? अभय ने। अरे पापा, बिंदा की चलाकी की वजह से सारी सच्चाई सामने आ गई है। अभय को पता लग गया है कि अम्मा की किडनैपिंग में चुबली भैया का हाथ था और बिंदा को मारने में हमारा। खोलिए पापा, आप किसी को भी नहीं छोड़ेगा अभी, अब कुछ करिए ना जल्दी से। एक बात बता, उसे सिर्फ तुम दोनों की सच्चाई पता है या हम दोनों के बारे? नहीं नहीं, आप लोग भोले हैं उसकी नजर में, हम लोग फंस गए। अरे लेकिन कब तक, वो पता तो लगा ही लेगा ना बहुत जल्दी। अरे चुबली, अरे सुन तो बोल, तेरा भाई ना असूल वाला है, कहीं वहां हम सबको जेल में न डाल दे। अरे लेकिन अम्मा हमें तो बचाइए। अजी ये सही कह रहे हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। खोलिए ना दरवाजा जल्दी से। अरे चक्कर आ रहा है, घुटन हो रहा है, जल्दी खोलो अम्मा। अरे खुल गया। खुला, खुला, खुला। हम एक काम करते हैं पापा, हम अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, जब मामला ठीक होगा ना आप हमें बुला लीजिएगा। हाँ हाँ सही कह रहा है, हाँ हम फोन करते रहेंगे। चलना जल्दी से। हाँ, चल। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।